I look up. Why did my alarm go off? I don't know. You put it up? Yeah. You wake up. Emma, come. Oh my goodness, I set it as 6:15 every Friday. गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे तरफ से एक बड़ा भी खालो। सुबह सुबह ही पोपट हो गया, सुबह साइकिलिंग जाने के लिए उठ नहीं पाया यार, सोते रह गए। मेरा अलार्म बजा होगा लेकिन मैं उठ ही नहीं पाया। यामिन बोल रहा है मैंने अलार्म रखा था लेकिन वो फ्राइडे था, आज है संडे। एनीवेज, तो आज का साइकिलिंग तो हुआ नहीं सुबह का, बट हम जाएंगे ज़रूर साइकिलिंग के लिए, क्योंकि कल जो सर्विसिंग करके जी रखा रहे तो लड़का ना बिल्कुल अपना बॉडी बिल्कुल नहीं हिलाएगा, वो एक्सरसाइज करवाने करवाने उससे आज। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, भैया सुबह सुबह ही काम मिल गया। पैम तो सुबह उठ के चली गई काम के लिए, तो अभी उसको पिक करने जा रहा हूँ मैं। इधर ही पास ही गई है वो, उसका क्लाइंट था, तो मैं अभी जा रहा हूँ पिक करने के लिए उसको। उसको पिक करके आते हैं। याविन तो बोल रहा था आज ही जाना है साइकिलिंग के लिए, तो ठीक है। वो भी बेचारा थोड़ा ये हो गया, अपसेट हो गया क्योंकि उठ नहीं पाया बोल के, क्योंकि माँ आज चिढ़ाई है हमको, क्योंकि कल से वो पैम चिढ़ा रही कि हम उठ नहीं पाएंगे, हम उठ नहीं पाएंगे, तो आज हम उठ ही नहीं पाए। तो आज पैम आने के बाद मुझे और याविन को बहुत चिढ़ाएंगे, तो उसके कारण वो थोड़ा अपसेट है, लेकिन वो आज जाके रहेगा बोला उसने। चलो ठीक है, तो अभी उसको उठा के लेके आते हैं पैम को। मैं चाय भी नहीं पिया, मुझे चाय पीने का भी मन कर रहा है। उसको उठा के लेके आता है और बाद में हम देखते हैं साइकिलिंग के लिए कब जाए। वैसे भी उतना गर्मी तो है नहीं, थोड़ा ठंड है, देखते नहीं तो शाम को जाएंगे। यार संडे का दिन छुट्टी है, फिर भी ये लोग सुबह सुबह निकल के कहाँ जाते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। सब घूमने जा रहे हैं, सुबह के दिन में इतना ट्रैफिक, संडे है संडे। चलो दोस्तों अभी पैम को पिक किया, चाय पी रही है। देखा मैंने क्या बोला, वो हमको सबसे पहले चिढ़ाएगी, अभी घर जाके देखना या इनको कैसे चिढ़ाएगी है। हम लोग उठ नहीं पाए साइकिलिंग, तो अभी याविन को चिढ़ाई है। याविन अभी पूरा मुंह ऐसे करके बैठा हुआ है, उसको इतना गुस्सा आता है जब वो कुछ अचीव नहीं कर पाता और उसको कोई चिढ़ाता है ना, उसको अच्छा लगता है। He's awake. And now, what happened? He's telling that, oh my God, I put my alarm for Friday. Not Sunday, for Friday. तो फ्राइडे उसने अलार्म रखा इसलिए उठ नहीं पाया वो। चलिए भैया आज का मेरा खाना बाहर हो गया। पैम सुबह से बिजी है, आज क्लाइंट्स हैं, अभी वो वापस एक और क्लाइंट के लिए जा रही है। सैटरडे संडे ज्यादातर वो बिजी रहती है, तो क्लाइंट था इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया उधर, बिकॉज उधर क्लाइंट्स बैठा हुआ है और वो कर रही है काम, और उसके बीच में जाके खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, पूरा औरत लोग का ही काम रहता है। तो आई डिडंट डू दैट, तो मैं इतना देर वेट किया, अभी ढाई बजने वाला था, पता चला कि उसको एक और क्लाइंट अभी वो जा रही है, तो मैंने सोचा चलो भैया आज बाहर ही जाके खाते हैं।
ओ भाई साहब, ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक। आज संडे है फिर भी ट्रैफिक। सबको बाहर जाना है घूमने के लिए, घूमी घूमी करने जाएंगे। तो इस तरफ बेसिकली एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है कुछ ढाबा नाम से, तो मैंने सोचा वो ट्राई कर ले। तो आज दूसरे कराची दरबार है जो मेरा फेवरेट है इधर, बिकॉज इनका जो खाना है मेरा टेस्ट बड्स पे मिलता है यार। तो मैं सोचा कि इधर ट्राई कर लूँ, लेकिन ढाबा जो है वो बहुत बिजी रहता है। मे भी आज शाम को आऊँगा मैं ढाबा में अपने फैमिली को लेके, बिकॉज कल से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आज दोपहर का इधर से खा लेते। तो अभी आ गए इधर, अब हम देखो। अभी मैंने, मेरा फेवरेट है मटन, लेकिन मैंने ऑर्डर भी किया रेड मीट है, मैं खा नहीं सकता। तो चिकन ही ऑर्डर किया, चिकन पेशावरी ऑर्डर किया, जो वन सेकेंड मेरा फेवरेट है भैया। अपना खाना मिर्ची और प्याज के बिना नहीं होता भाई। गर्मा गर्म अफगानी चिकन खाया और इसके साथ रोटी। तो मज़ा आ गया, थोड़ा ज़्यादा ही जला हुआ लग रहा था मेरे को मसाला, लेकिन ठीक था। भूख लगी तो कुछ भी अच्छा है। मैं एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलतियाँ इसमें ही करते हैं, उसमें ज़्यादा मोटापा हो जाता है यार। रोटी पे रोटी दबाते हैं, बस अपने एक ये रखो कि एक ही रोटी खाओ। अभी वापस जाके थोड़ी देर सो जाऊंगा, क्योंकि आज है संडे भैया, सैटरडे संडे आराम करने का दिन है, सो जाओ। शाम को निकलेंगे अराउंड 5:30 बजे यावन को लेके साइकिलिंग। काम पे गई है काम पे, तो बाप और बेटा आज अकेला घर पे, फादर्स एंड सन्स डे हो गया आज तो। मॉम लेफ्ट, विल गो 5:30 या देखा टीवी यावेन, टीवी यावेन, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, द साउंड सिस्टम, हाँ That sound system is not working. Turn it on. I'm turning it on. What? No wet food. Hello? Emba? No wet food, okay? You have to eat dry food also. Don't show me that ice. Hello? No wet food. नो वेट फूड, इवनिंग इवनिंग आई विल गिव यू वेट फूड। खा खा के मोटी हो गई है तू। नो, तो दोस्तों अब थोड़ी देर, एक या दो घंटा निद्रा लेने के बाद आपसे मिलते हैं साइकिलिंग ट्रैक में। व्हाट व्हाट आई टोल्ड यू, वेट फूड इन द नाइट। There is dry food there, go and eat that. You eat or no? Not now. So अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं साइकिलिंग के लिए जाने के लिए। ये अभी फुल फॉर्म में अभी। Yes. तो हम लोग फाइनली पार्क आ चुके हैं भैया, अभी चला रहा है उसको, थोड़ा ट्रैफिक का कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। बोल रहा था उसको एक्चुअली स्कूल से ला के जेके जाने का साइकिल, वो ऐसा सब। तो मैं थोड़ा हेजिटेंट था, वो इवन पैम भी, पैम तो बोल रही थी चल मुश्किल नहीं, क्योंकि उसका दोस्त लेके आता है, आरव जो है किस दोस्त है उसका, वो लेके आता उसका साइकिल। लेकिन इसका ना ट्रैफिक का मेरे को थोड़ा लोचा है, इसको मालूम नहीं अभी भी ट्रैफिक। मैं इस फ़ोन का स्टेबलाइजेशन भी चेक कर रहा हूँ एक्चुअली। यह है सोनी एक्सपीरिया मार्क 5, अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन है इसका भी, ये देखिए। रियली, हु टोल्ड यू दैट? सो इफ यू ईट एग्स यू ग्रो टॉलर। सुन लो भैया, बोल रहा है कि अंडे खाएगा अभी और
वो लंबा हो जाएगा जल्दी, तो उसके बाद मेरा साइकिल ले सकता है वो। या ट्राई एवरी स्टाइल बट यू कैन। विल डू वन थिंग आफ्टर दिस, विल गो टू द लेफ्ट साइड, नॉट ऑन द रोड, सो फॉलो मी। या ओके, स्काई सो ब्यूटीफुल राइट? How was it? 10 rounds. 10 rounds, bro. I can't do 10 rounds, but I'll be with you. So what we'll do now, we'll go from here, same track. So I can sit there. You see there? Yeah. There's a place to sit. So you can go from the same, because there's not much traffic in this. Yeah? Then you come back. You want to take the full round and come back? So I'll wait for you. Yeah. All right. So let's go. Ice cream liya aur pani liya, bhaiya. मैं तो थक चुका था, याविन बोल रहे एक और राउंड चाहिए। इट्स ओके, नो इट्स ओके, फाइन, हैव इट। कॉटन कैंडी, आई डोंट नो, दिस इज अ न्यू फ्लेवर, इट्स सो एक्सपेंसिव, हैव इट मैन। इफ मम्मा इज देयर शी विल से डोंट बाय। यू नो, हैव यू हैड दिस फ्लेवर बिफोर? नो, बट आई हैव कॉटन कैंडी। आई नेवर ट्राइड, ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ इज इट। देखो बेटा, कूड़ेदान में डाल रहा मेरा बेटा, ऐसे सिखाओ बच्चों को। ये नहीं कि देखो उधर एक बॉटल किसी ने रख के गया है, कूड़ा सामने ही है, बॉटल उधर। तो हम दोनों बाप और बेटे, सॉरी, हम दोनों बाप और बेटा आइसक्रीम का लुक उठाते हुए, यू नो व्हाट आई जस्ट सेड, माय सन एंड वी आर ईटिंग आइसक्रीम, लुक उठाते हुए, व्हाट इज लुक उठाते हुए, मैं और मेरा बेटा आइसक्रीम का लुफ्त उठाते हैं, एंजॉयिंग द आइसक्रीम। हिंदी में आता उसको पूरा। अब इस कैमरे का लो लाइट भी देख लेते हैं भैया, यह है सोनी मार्क 5। सिर्फ पार्क का लाइट है और मैं फुल ऑटो मोड में हूँ। और मेरा साइकिल का लाइट है इसमें। अभी तक 3 राउंड ले चुका है लड़का, मैं सिर्फ 2, ये दूसरा अभी मेरा। हाँ तो भैया, अभी घर पहुंच गया। ओह, मैं तो सिर्फ 2 राउंड में थक गया था यार। याविन को 3 से ज़्यादा राउंड लेने का था, लेकिन मैंने बोला यार मैं तो थक गया, अभी चलते हैं। स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे हमारे जो स्टैमिना है। वैसे मैं ज़्यादा थका नहीं, लेकिन मेरे को प्यास बहुत लग रहा था। एक बॉटल पानी भी ख़त्म किया, फिर भी मुझे प्यास लग रहा था। मैं बोला चल अभी घर चलते हैं, वैसे भी लेट हो गया, ठंड भी हो रहा था, क्योंकि पहला दिन बीमारी ना आ जाए कुछ, क्योंकि लड़के को कल से स्कूल है। तो दोस्तों, होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हम ऐसे व्लॉग्स और बनाते रहेंगे, कोशिश तो डेली बनाने की ही है। अभी तक तो 7-8 दिन से ज़्यादा हो गया एक्चुअली, 15 व्लॉग हो गया शायद, ये मैं डेली बना रहा हूँ, तो अच्छी बात है। किसी ने बोला यार, जब आप 21 दिन कंटिन्यूसली कुछ करते हो फिर वो हैबिट बन जाता है, तो उसी की कोशिश में मेरा एक्चुअली बना था एक बार हैबिट, 365 डेज़ का चैलेंज रखा था मैंने, और मैंने कुछ 180 डेज़ कुछ कर दिया, लेकिन बीच में छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली, जो भी है। लेकिन अभी वापस वही शुरू किया, लेकिन इस बार वही ब्लॉगिंग स्टाइल में ही सब कुछ जो भी कर रहे हैं हम लोग, तो करते रहेंगे। तो मिलते हैं अभी छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि और जय हिंद।